यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या x इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स पूछा आपसे क्या करेंगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स पूछा है चाहो तो आप इसे y के टर्म में बना लो तो x अपॉन वन इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दें इजीली आपका हो जाएगा क्या होगा x प्लस वन अपॉन x माइनस वन वन माइनस वाई प्लस वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन माइनस वाई देखिए क्या हुआ टू अपॉन माइनस टू वाई राइट टू से टू भी कैंसिल तो एक तरह से y इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा क्या आएगा वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये माइनस वन तो ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज अ राइट आंसर राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है डी वाई बाई डी एक्स a tan inverse x plus b log x minus 1 upon x plus 1 equal to 1 upon x 4 minus 1 then a minus 2b equal to right अब इसको differentiate करके इससे compare करने में मुश्किल होगी better है कि इस dx को transfer कर दें और integral ले लें यानी a tan inverse x plus b log x minus 1 upon x plus 1 equal to आप ऐसा बोल सकते हैं dx upon integration of this तो x square minus 1 x square plus 1 फैक्टर बनाएंगे तो 1 बाय 2 क्योंकि ऐड करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल ये आ गया अब 2 पर आएगा तो उसने बैलेंस कर दिया तो देखिए क्या आएगा a tan इनवर्स x प्लस b log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2 क्लियर है बात आपने क्या करा या तो उसको डिफरेंशिएट करते या इंटीग्रेट कर दिया अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x अब देखिए इस 1 बाय 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो a का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय 2 और b का वैल्यू हो गया 1 बाय 4 ये रख दीजिए तो a माइनस 2 भी आपसे पूछा है तो a की जगह रखा माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 बाय 4 यानी माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इज अ राइट आंसर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कई बार आप इसको डिफरेंशिएट करते फिर इसमें भी बना सकते थे पर उसमें बहुत टाइम निकल जाता आप उलझ जाते ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था जो मैंने किया नोट करिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3b हैज वन मैक्सिमम वैल्यू वन मिनिमम वैल्यू नो एक्सट्रीम वैल्यू ओके वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा अब आपको ए स्क्वायर लेस देन 3b दिया है कंडीशन है इसको डिफरेंशिएट कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव सारे कंक्लूजन देगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ऑफ b राइट अब जब इसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 12b चाहे तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 3b अब ए स्क्वायर की वैल्यू 3b से कम है यानी ये लेस देन जीरो मिलेगा यानी कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे तो नो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी यानी दिस इज द राइट आंसर नो मैक्सिमा नो मिनिमा राइट जब ए स्क्वायर माइनस 3b ये ओवरऑल आंसर निगेटिव है इसलिए आपको इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा मींस बेसिकली दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन नोट कर लीजिए क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है क्या है 2 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x ई पावर एक्स dx इसका इंटीग्रल क्या होगा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स जब भी ई पावर एक्स के साथ क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखें कि आपको इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म दी होगी यानी ई पावर एक्स एफ एक्स ही होगा तो अब यहां पर अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये मिलेगा ई पावर एक्स के साथ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल एक साइन से साइन कैंसिल कॉटेक्स dx अब आपको पता है कि माइनस कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस होता है तो e पावर x कॉटेक्स माइनस के साथ दिस इज द राइट आंसर राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 to pi इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं जो चाहें वो कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसका पूरे का इंटीग्रल पता है इसलिए आप रैशनलाइज भी एक ऑप्शन हो सकता था ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x sec x राइट इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ tan x माइनस ऑफ sec x
जीरो टू पाई, देखिए पाई पे भी जीरो, जीरो पे भी जीरो, पर जब सेक पाई रखेंगे तो माइनस, अब क्या मिलेगा देखिए, जब आप जीरो सेक में रखा, पहले सुनिए, पाई रखा तो जीरो माइनस माइनस प्लस वन, माइनस ऑफ जीरो रखा तो फिर मिला वन, राइट right? पर इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस वन, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, टू, टू इज अ राइट आंसर, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, जब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इन टू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक बात समझिए, यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें x प्लस वाई को आपको t मानना रहेगा, ये हमने फॉर्म पढ़ी है, तो वन प्लस dy by dx इक्वल टू dt by dx, तो dy by dx की वैल्यू आ गई dt by dx माइनस वन इक्वल टू साइन t टेन टी माइनस वन, देखिए ये भी कैंसिल, अब t का फंक्शन एक साथ लाइए तो एक तरह से क्या जाएगा, ये dt टी अपॉन साइन टी इन टू टेन टी, टेन टी मतलब साइन टी अपॉन कॉस टी इक्वल टू डी एक्स, यानी एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस टी अपॉन साइन स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, साइन को t माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर का माइनस वन बाई टी, तो माइनस वन अपॉन साइन टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, या ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, या एक्स प्लस कॉस एक, यही ऑप्शन दिया, एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए।